नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में संग्राम मलिक से एमएस प्रजापति ने बात की है, जो कि एक सेबी के अधिकारी हैं, और उन्होंने जो बात की है उससे आप सभी लोगों की आंखें खुल जाएगी। तो साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और साथियों इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी न्यूज तक पहुँच पाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं यह वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी से पहले पाए। हेलो, नमस्कार, संग्राम मलिक जी। अच्छा, एक मिनट, कौन सा लाइन? सर, आप कौन बोल रहे हैं? रमेश जी प्रजापति बोल रहा हूँ। ओके, रिगार्डिंग व्हाट इट इज सर? हैं, किसके बारे में बात करना है? PSEL के बारे में ही बात करना है मैडम, संग्राम मलिक। हेलो, हाँ नमस्कार सर जी। हाँ, यस प्लीज। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, मैं सहा से रमेश प्रजापति बोलता हूँ सर। 6 महीने पहले बात की थी आपसे। तो बात किया था आपने PSEL के बारे में सर? नहीं, PSEL के बारे में, लेकिन PSEL के बहुत सारी चीजें ना, किस बारे में? PSEL के रिफंड के बारे में बात किया था मैंने उस दिन आपके साथ। हाँ जी बताइए। हाँ तो सर, ये जो PSEL का जो मामला है, तो अब ये रिफंड कब होने वाला है सर जी? देखिए, आपको अगर पता होगा कि जो रिसीट ऑफ क्लेम एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है, हमने उसको खोला है, ठीक है ना, अभी ओपन है। हाँ। वो उसका लास्ट डेट जो था 31 अप्रैल था, ठीक है ना? हाँ, ये तो बराबर। हाँ, अभी वो बढ़ के 31 जुलाई हो गया है, ठीक है। जुलाई 31 तक क्लेम एप्लीकेशंस हम ले रहे हैं। 31 जुलाई के बाद क्लेम एप्लीकेशन अगर अगर कोई उसके आगे कोई ये नहीं होता है, अगर एक्सटेंशन नहीं होता है, उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसका फिर हम आकलन करेंगे, फिर उसका वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है कमिटी जो डिसीशन है उसके बारे में फिर वो कमिटी डिसीशन लेगी कि क्या रिफंड करना है, कितना करना है, कैसे करना है वो सब। अभी जो है, अभी क्या है, अभी रिफंड का जो एप्लीकेशन है उसका रिसीट चल रहा है, क्योंकि वो 31 जुलाई तक वो सब होएगा, ठीक है? वो तो सही बात है सर, लेकिन जो PSEL के ब्रांचों में जो सर्टी जमा किए हैं हमारे बॉन्ड, उसका हाँ, कुछ नहीं हुआ। ये 30 अप्रैल के बाद करने का था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 30 अप्रैल के बाद करने का था, लेकिन अभी 30 अप्रैल बढ़ के 31 जुलाई हो गया ना। तो सर, ये तो बराबर है, आपने 31 किया है, लेकिन सर ये 80% लोगों ने तो कर दिया था बराबर, तो उनका वेरिफिकेशन भी चालू कर दिया होता ना, तो ये काम तो पूरा हो जाता ना सर। नहीं नहीं सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं कि वो हम नहीं ले रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं उसकी बात मैं समझ गया, लेकिन वो उसके बारे में डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब ये प्रोसेस खत्म होएगा, है ना। अब ये प्रोसेस 31 जुलाई को खत्म होगा, उसके बाद कमिटी डिसीजन लेगी कि उनके बारे में, जो आप कह रहे हैं ना, जिन लोगों ने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया अपने सर्टिफिकेट, उसके बारे में क्या करना है, है ना। तो वो तो तभी डिसाइड होएगा ना, अभी कैसे होगा आप बताइए? अभी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने जैसे बड़ा क्लियरली बताया है कि इस प्रोसेस में हम कोई चेंजेस अभी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो प्रोसेस बिगड़ जाएगा। तो अभी जो प्रोसेस है उसमें जैसा जो कंडीशंस हैं वो उस हिसाब से चलेगा। जब ये प्रोसेस खत्म होगा, फिर जो आपने सब बताया है वो तो हमको सब पता है, वो कमिटी के सामने भी रखा गया है, तो उसके बारे में फिर कमिटी एक निर्णय लेगी कि एग्जैक्टली इसमें हम क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, वो तो वो 31 जुलाई के बाद ही कमिटी डिसाइड कर सकती है। सर जी, कमिटी ये प्रॉपर्टी क्यों बिक नहीं रही है? तो ये प्रोसेस कितनी लंबी होगी सर? एक सेकेंड, आप रिफंड के बारे में पूछ रहे थे ना मेरे को? हाँ, रिफंड के बारे में, रिफंड कैसे होगा? मैं सर जी, मैं यही पूछता हूँ, रिफंड कैसे होगा सर? अभी ये जो प्रॉपर्टी आप सुप्रीम कोर्ट ने जो सील की थी, लोढ़ा कमेटी को दी है,
हाँ मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फरवरी 12 का ऑर्डर है, ठीक है। अब फरवरी 12 के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमको कहा है, ठीक है, कमिटी को कहा है कि आप ये जो है प्रॉपर्टी बेचने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी इस्तेमाल करने का जो जरिया है उसको थोड़ा देखिए। तो हमने उसके बारे में अभी हमने देखा है, डिस्कशन उनके साथ भी किया है, ठीक है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और सब उनके साथ किया है। तो वो जो प्रोसेस है अभी चालू है डिस्कशंस का और कैसे हम आगे उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज के सेल के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का हमने अवगत कराया है कि देखिए ये चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आप ये सब करिए, ठीक है, ये सब करना है। तो वो जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं जो हमको मिले हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। होपफुली उसमें कुछ नतीजा निकलेगा और उसके निकलने के बाद हम फिर पब्लिक को हम बता सकते हैं कि ये हम कर रहे हैं। अभी जो है उस जो दिशा निर्देश हमको मिले हैं सुप्रीम कोर्ट से उसके उसके उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर ये आपने ये फरवरी जो चालू किया है ये ऑनलाइन, तो उसमें लोगों को जो जिस लोगों ने ऑनलाइन कर दिया उनके तो अभी 3 महीने हो गए बराबर, तो अब ये लोग हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं कि ये पैसे कब मिलेंगे सर। हाँ देखिए बात ये है कि मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये तो आप समझिए कि आप प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब ऑनलाइन उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन भी होना है, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर रिफंड का जो प्रोसेस वो शुरू किया जाएगा। ये तो इंस्टेंट तो नहीं हो सकता ना कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया और पैसे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है तो उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो सब हमने मांगे थे डॉक्यूमेंट्स या जो इन्फॉर्मेशन मांगा था वो सारे उस एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल है कि नहीं, जिन्होंने दिया वो दिया है कि नहीं, वो आदमी जो है वो वही सेम आदमी है कि नहीं, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, उसको तो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर कोई आते हैं तो आप उनको बताइए, ये बताइए कि देखिए ये जो है उसको वेरीफिकेशन तो करना पड़ेगा ना आपको। अब मैं आप बताते हैं कि आप सोहन सिंह है, मैं थोड़ी ना आपको बोल दूंगा हाँ जी सोहन सिंह है आप मेरे को, मैं पैसे दे दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे तो अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना कि जो सोहन सिंह का नाम है जिन्होंने पैसा दिया है और जो सोहन सिंह अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों सेम ही है, सेम ही आदमी है ना। तो वो सब सर, हमको सर, वो तो सब ये ऑनलाइन में हो ही गया है ना, वो तो ये फोटो भी हो गया सर, फोटो भी दिया हुआ है, पैन कार्ड दिया हुआ है और बैंक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, इसमें सब इसमें तो गलत होगा नहीं सर। नहीं नहीं वही तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वो तो गलत नहीं होगा, इसीलिए तो हमने मांगा है ताकि गलती ना हो, वही तो इसीलिए तो मांगा है, नहीं तो क्यों मांगते हैं आपसे सर। इसमें तो गरीब इन्वेस्टर मर रहे हैं हमारे जैसे, हमें गुजरात में बहुत बड़ी टीम थी हमारी, हमने खुद ने इन्वेस्ट किया, बहुत बड़ी टीम थी। अब हम मुझे लोग रोज 100 लोग परेशान करते हैं, क्या करें मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं वही इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आप उनको यही बताइए ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको वही बताइए। हाँ मैं सर ये आपका रिकॉर्डिंग में मैं भेजवा दूंगा सबको, लेकिन रिकॉर्डिंग की बात नहीं, आप बता दो जो बताना है आप उनको, ठीक है। ठीक नहीं है सर, ये आप कमेटी में है तो कमेटी में बोलिए सर कि इतना बड़ा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल आपको जो आप जो कह रहे हैं कमेटी को बिल्कुल कमेटी के पास सारा चीज जाता है, कमेटी के पास हम रखते हैं, इसीलिए तो हम क्लियरली आपको सारी चीजें बता रहे हैं जो सारी हमारी इसीलिए तो मैं सर आपको फोन करके पूछता हूँ बराबर, मेरे पूछने का मतलब ही वही है। नहीं, 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 मैं सही बात लोगों के सामने रख सकूं। अभी क्या हो रहा है सर, ये अलग अलग वीडियो लोग बनाते हैं बराबर है, यही चीज सबको बता रहे हैं, लोग यही वीडियो सुनते हैं और हमारे जैसे लोगों को परेशान करते हैं कि सर वीडियो में ऐसा है ऐसा है। अब अलग अलग गूगल में जो लोग होते हैं चैनल वाले वो खुद का बात करके वो छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम सर वही हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉब्लम हो रहा है, सही बात मिल नहीं रही, इसीलिए मैंने आपको फोन करने का मतलब यही है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बराबर, वरना मैं सीधी हेल्पलाइन में भी नंबर फोन कर सकता था सर। ठीक ठीक, इसीलिए मैं आपके साथ ही, आपने जो 6 महीने पहले मुझे बताया था कि आपका ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन फरवरी में से चालू होगा जनवरी एंड में,
तो मैंने जनवरी में फोन किया था आपको, बराबर। वो तो वेरिफिकेशन हो तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ना। हाँ, वो आपने मुझे जनवरी में बताया था कि भाई फरवरी में, जो कि जनवरी एंड में ये चालू होगा, जो हुआ सर, बराबर है। तो हमको आपसे विश्वास मिला, इसीलिए मैंने आज फोन इसीलिए आपको किया कि इसमें क्या परिस्थिति है सर, इसीलिए मैंने जो मैंने आपको बताया है। अभी जो परिस्थिति है, करंट जो स्टेटस है वो ये है, ठीक है। बाकी आप देखते रहिए सभी के वेबसाइट में, कुछ भी जो भी कमेटी डिसाइड करेगी वो हम वहाँ पे डालेंगे। और वो जो रिफंड का जो हमारा पोर्टल हमने बनाया है आपको पता होगा, तो अगर उसमें भी अगर कुछ कमेटी डिसाइड करती है वहाँ पे भी आएगा, ठीक है सर। इसमें भी ये ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये हुआ कि कई लोगों ने हमारी जब कंपनी चालू थी ना तब ये बॉन्ड मंगवाते थे और लास्ट डिस्ट्रिक्ट मंगवाते थे, बराबर है। तो कई कंप्यूटर वालों ने क्या किया सर, मेरी बात सुनो। हाँ बताइए बताइए। हाँ, कई लोगों ने क्या किया, ये कंप्यूटर वालों ने जो ऑनलाइन करते हैं, उन लोगों ने फर्स्ट बॉन्ड और लास्ट रिसिप्ट रख दी, और दूसरी जो बीच में जो रिसिप्टे थी ना वो नहीं रखी है। कई लोगों की सर रिसिप्टे भी नहीं है, बराबर। हम आपको ये सर बता दें कि हम बैंक में कोई भी पेमेंट भरते हैं तो ये जो पर्चा होता है वो पर्चा कब तक रखते है कि बैंक में जो पासबुक में जो एंट्री पड़ जाती है तब रखते है, तब तक रखते है। कई लोगों के पास सर ये रिसिप्ट नहीं है, बीच में वाली, समझो कि 50 रिसिप्ट है तो 50 में से किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, कहीं पूरी नहीं है। ऐसे में ये कंप्यूटर वालों ने हुक क्या किया, ऑनलाइन वालों ने फर्स्ट सर्टी लिया और ये लास्ट रिसिप्ट रख दिया है सर। तो इसका सर ये आप लोडा कमेटी में ये है तो आप ये थोड़ा करवा लेना, ठीक है। ये हम देखते हैं इसको क्या करना है, अभी आपने बताया हमको तो फिर इसमें क्या करना है फिर देखा जाएगा, ठीक है। हाँ सर, ये बात बहुत जगह ये प्रॉब्लम हुआ, इसमें हुआ क्या है सर, ये जो ऑनलाइन वाला था ना वो एक रिसिप्ट का 10-20 रुपया ले रहा था, अब 60 रिसिप्ट है तो 20 रुपये के हिसाब से 1200 रुपया तो एक रिसिप्ट का एक सर्टी का ही वो लेता था। अच्छा, कई लोगों ने ऐसा किया सर, 100 रुपये में 150 रुपये में एक फर्स्ट सर्टी और लास्ट रिसिप्ट रखवा दिए सर। अच्छा अच्छा, ऐसा 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 प्रॉब्लम हुआ है सर, तो इसका कुछ करवाना सर, ठीक है ठीक। और कब तक ये मिल सकता है सर, पेमेंट कब तक मिल सकता है आपके हिसाब से सर? देखिए अभी तो जुलाई 31st के जो स्टेटस है वो जुलाई 31st के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जुलाई 31st को जो प्रोसेस है वो जो रिफंड मतलब रिसीट ऑफ एप्लीकेशन का है वो खत्म हो गया, उसके बाद ही कोई स्टेटस हम बता पाएंगे कि वेरिफिकेशन कितना टाइम तक चलेगा, कितना उसका होगा, क्योंकि तब हम आकलन कर सकते हैं ना, आप समझिए, उसमें हम आकलन कर सकते हैं कि हमारे पास कितने एप्लीकेशन आए हैं और उस हिसाब से हमको कितना टाइम लग गया उस सारे उन सारे एप्लीकेशन को वेरीफाई कर। सर, हर स्टेट में सीबी की ऑफिस तो है, वहाँ पे एक कर्मचारी को रख देते हैं आप, ये तो सारा तो ये नहीं नहीं सर, ये आप जो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना उसकी बात मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, इसमें क्या होगा सर, मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन में या तो रजिस्टर एडी करना पड़ेगा या कुरियर थ्रू करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है सर। वो सब कुछ नहीं होगा, वो अलग ही प्रोसेस है, वो आप छोड़िए, उसमें कुछ ये नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि उसका जो वो क्लियर तभी हो पाएगा जब जुलाई 31st के बाद जब हम क्लोज करेंगे एप्लीकेशन का, तब उसका वेरिफिकेशन होगा कैसे क्या है, क्या एप्लीकेशन में आया है, तो तब हम एक आकलन कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सर ये 30 अप्रैल तक कितना आया वो भी आपको मालूम है? नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट प्रोसेस है ना, वो तो चल रहा है, वो तो सिस्टम पे आता है ना, वैसा थोड़ी ना आता है हमको कि ये आया वो आया, तो सिस्टम पे है जो आगे तो चलता रहता है, ठीक है। तो जुलाई 31st तक आप देखिए, फिर उसके बाद हमको एक आइडिया मिलेगा कि कितना टाइम लगेगा वेरिफिकेशन का और टेंटेटिव कितना टाइम हम लेंगे वेरिफिकेशन करने का, ठीक है। हाँ, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।